एक फरद दा नबीना एक जात दा नबी ये साडा नबी ते लोग कैनात दा नबी ये मैं अहदी लाहु फला وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس आज दिल ते हाथ रख सच सच दस हे मुसलमान दा मतलब क्या जे प्यार नबी नहीं सीने विच वत साजिद ईमान दा मतलब क्या वत हिंदुस्तानी ठीक से इतने नुकसान दा मतलब क्या जिथा पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम दोस्तों बुजुर्गों और भाइयों जो आयत मुबारक बैनाचीज तालिब इलम ने तुसा अहबाब के सामने तिलावत करने की सहादत हासिल की है दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कि अल्लाह पाक इस आयत पाक का सही माना मफहूम समझ समझा के अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे तो कबल बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत मुदल्लल और फिक्र अंगेज खिताब फजीलत शेख हज़रत मौलाना बदर नसीर सलफ़ी साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला बयान फरमा चुके दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम नो सेहत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए मोहतरम सामईन इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी सीरत पाक अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी जिंदगी मुबारक तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है इधर मेरे वल वेखना तुसीं ओ वेंदे हो भाई ये होंदा रहना सारा सिस्टम जलसे बंदियां भी आना जाना मामलात भी होने ने
किसी बुजुर्ग ने भी आना है, उन्होंने इकराम लिए उन्होंने कुर्सी भी देनी है, मेहमाना ने भी तशरीफ लेके आना है, खुतबा ने भी तशरीफ लेके आना है। तुसा हर बारी उधर नहीं वेखना, इधर वेखना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह तुहानू सब नू जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआ की वारी एक तुसी आमीन भी नहीं आते, हालांकि दुआ तुहानू देई दी है, तुहानू जज़ाए खैर मिल जाए इस तो वड्डी केड़ी। अल्लाह ताला की तरफों खैर मंगने ना तो खैर मिल जाए, ये कोई कमी है? तुसी आमीन ते आख्या करो दुआ की वारी। मैं अल्लाह तो दुआ करदा, अल्लाह असा सारयां नू जहन्नम तो आज़ाद फरमाए, अल्लाह असा सारयां नू अपनी जन्नत का मेहमान बना दे। मोहतरम सामईन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम की सीरत तुहाडे और मेरे वास्ते बेहतरीन नमूना है। उस सीरत नमूना किस वक्त बनेगी? जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम की सीरत का सानू इल्म होएगा, जदों आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम की सीरत का सानू तारुफ होएगा, जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम की जान और सुजाण होएगी सानू, जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम के किरदार के बारे असी इल्म हासिल करांगे, तालीम हासिल करांगे, जान पहचान करांगे, असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम की सीरत नू जदों समझांगे, अमल तो उस वक्त होएगा ना। एक चीज़ का पता ही नहीं, असी जानते ही नहीं, अमल कदों आएगा? एक चीज़ नाल तारुफ ही नहीं, उहदी इज्जत का किस तरह पता चलेगा? एक ऐसी हस्ती है जिहदे तारुफ का सानू इल्म ही नहीं, उन्हां दा इकराम असी किस तरह करांगे? इकराम उस वक्त होएगा, इज्जत उस वक्त होएगी, तकरीम उस वक्त होएगी, सीरत ते अमल उस वक्त होएगा, बेहतरीन नमूना उस वक्त असी तस्लीम करांगे जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम दा तारुफ साडे सामने होएगा। तारुफ जरूरी है, तारुफ लाजमी। कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, तुसी तवज्जो करना। मैं एक दलील दे के बात नूं अगे चलावांगा। बंदा जदों फौत हो जाए, फौत हुंदिया सार कबर दे अंदर बंदे नूं दफन करके आओ, सब तो पहला उस बंदे कोलों सवाल क्या होंदा भला? मन रब्बू का, यही है ना सवाल? गलत कह रहा मैं कोई? मन रब्बू का, रब कौन है? अपने रब दा तारुफ बयान कर, बयान कर, अपने रब दे बारे कुछ बोल। कौन रब, किसनू रब तस्लीम करदा रे? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? मां दीनों का, दीन दा तारुफ पेश कर, किस दीन नाल तेरा ताल्लुक सी? बंदा जवाब देगा। हुण तीसरा सवाल हो रहा है, क्या सवाल है? मन नबीयू का, अपने नबी दे बारे कुछ बयान कर, अपने नबी दे बारे दस। मां मन नबीयू का, नबी दा तारुफ पेश कर। हुण नबी पाक नूं जाणिया ही नहीं दुनिया दे अंदर, ते किस तरह दसांगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम दे बारे? और सुनो, नबी पाक दा ये तारुफ अगर उत्थे पेश होया, बंदा कामयाब है। उलमा मौजूद ने, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम दे बारे ये बंदा जवाब ना दे सकिया, पहले दो जवाब दे दिते ने, ये जवाब ना दे सकिया, जिड्डा मर्जी हाजी और नमाजी होवे, उहदी मगफरत होनी, उहनूं कबर सुकून मिलना, उहदी माफ़ी होनी। यानी जरूरी है दुनिया आखरत की कामयाबी वास्ते, दुनिया आखरत के अंदर कामयाब होने वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम की सुजाण, आप दी पहचान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम की सीरत दा इल्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम के किरदार की तालीम और नबी पाक का तारुफ जरूरी है। नबी कौन ने, इस बारे इल्म होना चाहिए। असां कभी इल्म हासिल किया ही नहीं। तुसी अगर तवज्जो करो, इंशाअल्लाह मुख्तसर जे वक्त दे अंदर मैं तुसा हबाब दे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम दा तारुफ पेश करना है। आखिर जो कितने कितने साल हो गए ने, 60 साल दे बाबे बैठे ने, उन्हें अज तक अपने नबी नू नहीं जाणिया, ते की फिर जाणिया है? आ सारे निज़ाम जान चुके ने, जटाके दे सारे मामलात आउंदे ने, फसलां दी भी सारी जान सुजाण मौजूद है, जानवरां दी भी सारी जान सुजाण मौजूद है, सिस्टम सामान की भी सारी जान सुजाण मौजूद है, बाजार के मामलात की भी सारी जान सुजाण मौजूद है, इलाके के माहौल की भी सारी जान सुजाण मौजूद है। जे 60 साल नमाजा पढ़ पढ़ के भी अपने नबी की जान सुजाण नहीं की, तो फिर यदा मतलब है कुछ भी नहीं किया। असल जरूरी है, जिस पैगंबर का असी कलमा पढ़ रहे हैं,
जिस पैगंबर दी असी इत्तेबा कर रहे हैं, जिस पैगंबर दे असी उम्मतियां, जिस पैगंबर दे मुत्तबे होने दे असी दावे करते हैं, जिस पैगंबर दी इताअत और फरमा बरदारी तुहाड़ी और मेरी कामयाबी दी जमानत है, उस पैगंबर दी जान सुजान और उस पैगंबर दा तारुफ जरूरी और लाजमी है। करवा दें तारुफ, सब तो पहले अल्लाह दे कुरान विचों थोड़ा जहा तारुफ करवाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे दुरूदे पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मोमिन बंदे दे अगे नबी पाक दा नाम पाक आवे ते इहनू दुरूद पाक दा आखना पवे या अखवाना पवे या शौक दिलाना पवे, इंज नहीं, बल्कि मैं ते अपनी मुहब्बत ते प्यार ते अकीदत नाल आंदा हुंदा, मोमिन असल ते सच्चा ओ हुंदे, नबी पाक दा नाम पाक दे सामने आवे ते उसे वेले जुबान ते दुरूद जारी हो जांदे। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, ओए जिस नाम नु लग दियां दो मीमा, जिस नाम नु लग दियां दो मीमा, ओ नाम मुहम्मद प्यारा है, हे दुरूद सलाम दे लायक जो कौन एन दराज दुलारा है, कौन एन दराज दुलारा राए, जेंदे जमान तो पहले तज़करे हन तौरात ज़बूर इंजील अंदर, ओए जेंदे जमान तो पहले तज़करे हन तौरात ज़बूर इंजील अंदर, जेंदी शान दा शाहिद ए लोगो, जेंदी शान दा शाहिद ए लोगो, कुरान दा हर हर पारा ए, ओए जिस नाम नु लग दिया दो मीमा, ओ नाम मुहम्मद प्यारा है, ओ नाम मुहम्मद प्यारा है, ओए जदो नाम मुहम्मद पढ़दा मैं लब प्यार तो आपे मिल वेंदर, ओए जदो नाम मुहम्मद पढ़दा मैं लब प्यार तो आपे मिल वेंदर, मेरे प्यार को वल वल प्यार आंदे, मेरे प्यार को वल वल प्यार आंदे, मिठे नाम दे विच चसकारा है, ओ जिस नाम नु लग दियां दो मीमा, ओ नाम मुहम्मद प्यारा है, हे दुरूद सलाम दे लायक जो कौन एन दराज दुलारा है। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा सब तो पहला तारुफ है आना दे लाल। अल्लाह दे पैगंबर तो पहले जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, अल्लाह पाक ने जितने भी अंबिया ते पैगंबर भेजे, हर नबी आके आदरी आया कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह दी इबादत करो, ऐ मेरे इलाके वाले हो अल्लाह दी इबादत करो, ऐ फलां बरादरी वाले हो अल्लाह दी इबादत करो, ऐ फलां कबीले वाले हो अल्लाह दी इबादत करो, ऐ फलां कौम वाले हो अल्लाह दी इबादत करो। जितने भी नबी आंदे रहे, कोई किसे कौम दा नबी बन के आया, कोई किसे कबीले दा नबी बन के आया, कोई किसे इलाके दा नबी बन के आया, कोई किसे इलाके दा नबी बन के आया, जदों वारी आई है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी, अल्लाह पाक ने आप हुक्म इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी
रसूलुल्लाही इलैकुम जमीया। हुण ए नहीं आखना मेरी कौम दे लोगो, हुण ए नहीं आखना फला फला इलाके वाले हो, हुण सारी इंसानियत नू खताब करो, हुण सारी कायनात दे लोगों नू खताब करो। कोई छोटा होवे, कोई बड़ा होवे, कोई अमीर होवे, कोई गरीब होवे, कोई नेक होवे, कोई चंगा होवे या माड़ा होवे, कुल या अय्युहन्नास, कोई अरबी होवे या अजमी होवे, या अय्युहन्नास, ओ सारी इंसानियत दे लोगो, ओ सारी कहना दे लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह दा महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह दा रसूल बन के आया, मैं अल्लाह दा रसूल सारी इंसानियत वास्ते बन के आया। अगर इस तरह समझ ना आवे, अल्लाह दे कुरान दे को होर मकाम ते गौर करना। अल्लाह पाक आप ऐलान फरमा रहे ने, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। महबूब पैगंबर, मैं तुहानू सारी इंसानियत वास्ते काफी बना के भेजे, जदों तुहाडी दावत मौजूद होवे, जदों तुहाडा फरमान मौजूद आ गए, जदों तुहाडी नबूवत रिसालत आ गई है, हुण पूरी इंसानियत विचों किसे भी बंदे नू किसे होर तो रहनुमाई हासिल करन दी कोई जरूरत नहीं, किसे होर कोलों हिदायत मंगण दी कोई जरूरत नहीं, किसे होर कोलों रास्ते पुछण दी कोई जरूरत नहीं। जन्नत दा रास्ता तुसी दसोगे सारी कायनात नू, हिदायत वाला रास्ता तुसी रहनुमाई करोगे सारी कायनात दी, और अल्लाह ताला दी तौहीद दी तुसी रहनुमाई करोगे सारी कायनात दे लोगों दी। यानी मैनू पहला पॉइंट ए समझ आया, तुहानू पहला पॉइंट ए समझ आया, पहले जितने भी नबी बन के आए, पहले जितने भी रसूल आए, हर नबी एक महदूद इलाके दा नबी बन के आया, एक महदूद उम्मत दा नबी बन के आया। जदों आमना दे लाल दीवारी आई है, अल्लाह पाक ने सारी कायनात दा नबी बना दिता। ओए एक फर्द दा नबी ना, एक रात दा नबी ये, एक फर्द दा नबी ना, एक रात दा नबी ये, साडा नबी ते लोगों कैनात दा नबी ये, एक फर्द दा नबी ना, एक जात दा नबी ये, महदूद जई नबूवत सोना नहीं लेके आया, महदूद जई नबूवत सोना नहीं लेके आया, साडा नबी ते लोगो, साडा नबी ते वल्ला कैनात दा नबी ये, साडा नबी ते वल्ला दिन रात दा नबी ये। जब तक दिन मौजूद है, जब तक रात मौजूद है, उस वक्त तक नबी पाक दी नबूवत मौजूद है, आप दी रिसालत मौजूद है। ओए साडा नबी ते वल्ला दिन रात दा नबी ये, एक फर्द दा नबी ना, एक रात दा नबी ये, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तलिन्नास। इस तरह बात समझ ना आवे, अल्लाह दे कुरान दी एक होर आयत ते तवज्जो करना। अल्लाह पाक ऐलान फरमा रहे ने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
तमाम आलम दे वास्ते अल्लाह पाक ने रहमत बना के भेजे है। कितने आलमीन वास्ते अल्लाह दे कुरान दे को होर मकाम ते गौर करो। नबी पाक दी नबुवत दी हद समझ आएगी, नबी पाक दी नबुवत दी वुसत समझ आएगी, आप दी रिसालत दी हद समझ आएगी। कितनी हद है नबी पाक दी नबुवत दी, कितनी हद है नबी पाक दी रिसालत दी। अल्लाह फरमांदा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफा उस अल्लाह वास्ते जेड़ा सारे जहाना दा पालन हारे, जेड़ा सारे जहाना दा परवरदिगार है। ते उसे तरह जिवें अल्लाह सारी कायनात दा पालन हार ते परवरदिगार है, नबी पाक नूं वी अल्लाह पाक ने उत्थों उत्थों तक वास्ते रहमत बना के भेजे। यानी जिथों तक रब दी खुदाई मौजूद है उत्थों तक मेरे मुस्तफा दी मुस्तफाई मौजूद है। पहला तारुफ ही होया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात दे नबी बन गए ने, सारी कायनात दे हर इंसान दे नबी बन के आए ने। हुण नबी पाक दी हदीस नूं छोड़ के किसे नूं ये इजाजत नहीं कि फलां सरकार ने इंज फरमा दिता है, फलां सरकार ने इंज फरमा दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ही हिदायत दा मरकज बन के आए ने, हिदायत दा मंबा बन के आए ने। इसलिए अहले हदीस दा ऐलान है, अहले हदीस के दो असूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जब तक जहाँ तक अल्लाह पाक दी खुदाई मौजूद है वहां तक मेरे मुस्तफा दी मुस्तफाई मौजूद है। ओए जिन्नू जिन्नू अल्लाह पाल रहे है, जिन्नू जिन्नू अल्लाह खिला रहे है, जिन्नू जिन्नू मालिक को परवरदिगार रिज़्क और रोजी दे रहे है, उस ते लाजम है मेरे पैगंबर दी इताअत करे और मेरे पैगंबर दी फरमाबरदारी करे। तुसी कहोगे अल्लाह ते सिर्फ इंसानां नूं रिज़्क नहीं दे रहा, अल्लाह ते जानवरां नूं भी रिज़्क देंदा है ना, देंदा है ना। अल्लाह जानवरों को रिज़्क कौन देंदा है, और परिंदियों को रिज़्क कौन देंदा है, और दीगर जितनिया भी मखलूकात ने उन सब नु रिज़्क कौन देंदा है, बोलो सारे। और मैं एक बात करांगा मेरे अजीजो, जिवें जिवें जानवर अल्लाह दा रिज़्क खा के अल्लाह दी सुजान रखदे ने, ओवें ओवें जानवर नबी पाक दी भी सुजान रखदे ने। तुसी ना सुजाणो कोई मसला नहीं, ए लोग हया ना करन कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक ने ते जानवरां कोलों भी अपने पैगंबर दी हया करवाई है, अल्लाह पाक ने ते जानवरां कोलों भी अपने पैगंबर दा एहतराम करवाया है, अल्लाह पाक ने ते जानवरां नूं भी नबी पाक दी सुजान करवाई है, अल्लाह पाक ने ते जानवरां नूं भी नबी पाक दा तारुफ सिखाया है, अल्लाह पाक ने ते जानवरां नूं भी नबी पाक दी पहचान करवाई है। किथे लिखिया होया है, उलामाए कराम मौजूद ने, मैं दलील नाल बात करन दा दियां, मेरे वल तवज्जो करना, हदीस मुस्लिम शरीफ दे अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम सल्लम दा एक सहाबी है, नबी पाक नु रिक्वेस्ट ते गुजारिश करन लगा, अल्लाह दे महबूब पैगंबर जिस जगह ते तुसी मौजूद हो अपनी जगह छोड़ के एक साइड ते हो जाओ, मेरा ऊंट उठ पागल होया फिरदा है। अल्लाह दे पैगंबर मैं रोजाना ओदी देखभाल करदा वा, मैं रोजाना ओनू पट्ठे पांदा वा, मैं रोजाना ओनू घास डालदा। अल्लाह दे पैगंबर जेड़ा मेरी सुजाण भुल गया है, जेड़ा मेरी पहचान भूल गया है। आलन व सालन मरहबा फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी आसिफ नज़ीर मोहम्मदी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला तशरीफ लिया चुके ने। शेख साहब इंशाल्लाह सानू दुआवां देंगे, मेरे डेढ़ घंटा उन्होंने टाइम दिता है, खुला टाइम है इंशाल्लाह। किवें शेख साहब, बड़ा मुख्तसर होगा टेंशन। अल्लाह तुहाडियां हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक उलमाए कराम की हिफाजत फरमाए, आमीन। देखो यार मैं जड़ी बात कर रहा सा, अल्लाह पाक ने कायनात दी हर चीज़ नू अपने नबी दी सुजाण सिखाई है, अपने नबी पाक दा तारुफ करवाया है।
अल्लाह पाक ने कायनात दी हर चीज नू नबी पाक दी पहचान करवाई है। हदीस मुस्लिम शरीफ दे अंदर मौजूद है, नबी पाक दा सहाबी रिक्वेस्ट गुजारिश कर रहे हैं, अल्लाह दे महबूब पैगंबर एक साइड ते हो जाओ, मैं दी रोजाना देखभाल कर दवा, मैं दा मालिक हां, ये मेरी सुजान भुल गया, ऊंट कमला होया फिर दे, ऊंट पागल होया फिर दे, ये मेरी ते पहचान भुल गया। अल्लाह दे पैगंबर जेड़ा मेरी हया नहीं कर रहा, तुहाडी किवें हया करेगा। नबी पाक अपनी जगह ते मौजूद ने, हदीस पाक दे अंदर आंदे, ए ऊंट आके नबी पाक दे सामने सर झुका के, मुस्लिम शरीफ दे अल्फाज मौजूद ने, अखां विचों आंसू बहा के नबी पाक नू अपने दिल दे दुखड़े सुना रहे है, नबी पाक नू अपने दिल दियां तकलीफां बयान कर रहे है। मेरा सवाल है, जेड़ा ऊंट अपने मालिक दी सुजान भुल गया है, जेड़ा ऊंट कमला होया फिरदा सी अपने मालिक दी पहचान भुल गया है, आमना दे लाल दा हया क्यों कर रहे है। नबी पाक दे अगे सर झुका के अपने दिल दे हाल क्यों बयान कर रहे है। इस वजह तो अल्लाह ने कुरान दे अंदर आप ऐलान फरमा दिता, अल्लाह फरमांदा है वारफाना अल्लाह का ज़िक्रा कर, ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, असा आप तुहाडा शान बुलंद फरमा दिता है, असा आप तुहाडा जिक्र बुलंद फरमा दिता है, जिक्र बमने तारुफ होंदा है, असा आप तुहाडा तारुफ करवा दिता है, असा आप तुहाडी पहचान करवा दिती है। इस तरह बात समझ ना आवे, एक होर बात ते तवज्जो करना, नबी पाक ने फरमाया मैं उस पत्थर नू ही जानना वा, हले मैं ऐलाने नबूवत नहीं सी कीता, ये पत्थर मक्के दियां गलियां दे अंदर मैनू झुक झुक के सलाम करदा हुंदा सी। इस तरह बात समझ ना आवे, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमाउल्ला फतुल बारी दे अंदर सही सनद दे नाल एक रिवायत नकल करदे ने, हुण जरा मेरी तरफ तवज्जो करना, इमाम साहब फरमांदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम दी फतुल बारी शरा सही अल बुखारी दे अंदर रिवायत मौजूद है, नबी पाक दी 10 तो 12 साल दी उम्र है, आप अपने चाचा अबू तालिब दे नाल शाम दे सफर ते तिजारती हवाले नाल जा रहे ने। रास्ते दे अंदर जांदियां जांदियां एक काफला एक जगह ते रुकदा हुंदा सी, एक काफला एक जगह ते ठहरदा हुंदा सी, एक काफला एक जगह ते आराम करदा हुंदा सी। हुण जरा मेरे वल तवज्जो करना, एक काफला एक जगह ते आराम करदा हुंदा सी, एक काफले वाले रुके ने, एक काफले वाले ठहर गए ने, इधर ही नाल एक ईसाई पादरी सी, एक राह सी जिदा घर मौजूद सी, ए राहे बिनसान पहले काफले वालेयां नू वेंदा सी, लेकिन कदी सलाम नहीं कीता, कदी मुलाकात नहीं कीती, कदी गपशप नहीं कीती, कदी कोई हाल हवीले नहीं वंडे, लेकिन अज ए काफला जड़ा आ रहा है, ए राहे बिनसान इन्हां दे पहले इस्तकबाल वास्ते खड़ा होया है। काफले वाले हैरान ने, यार पहले कदी इन्हे सलाम नहीं कीता, अज इस्तकबाल बाल कर रहे हैं, खैर ते होवे, पहले भी असी इत्थे रह के आके रहने हां, पहले कदी हाल हवीले भी नहीं वंडे, अज खाने खिला रहे हैं, अज पानी पिला रहे हैं, अज खिदमत कर रहे हैं, हैरानगी दी बात है, जदों खाना खिला रहे हो, जदों दावत खिला लईए, कहन लगा अपनी अपनी जगह ते बैठे रहो, ये सारे दियां कमर ते कंड चेक करदा गया, जदों नबी पाक दी कंड मुबारक ते कमर मुबारक चेक कीती है, ते उसे टाइम ऐलान करन लगा हाजा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, हाजा सैयदुल मुरसलीन, हाजा सैयदुल आलमीन। ओए लोगो, ए जड़ा 12 साल दा मासूम तुसी अपने नाल लेके जा रहे हो, तुहानू की पता है कौन हस्ती है, तुसी इस हस्ती नू नहीं जान दे, मैं इस हस्ती नू जानना वा, ए जड़ी हस्ती है, ए जड़ा 12 साल दा मासूम तुसी लेके जा रहे हो, ए सारी कायनात दा सरदार बन के आया है, ए अव्वल नबी तो गिन के आखिर तक
मकान वाले इंसान तक हर इंसान का सरदार बन के आया है। ये सारे रसूलों का सरदार बन के आया है। मेरे वल तवज्जो करना मेरे अजीजो बुजुर्गो नौजवानों, मैं जड़ा पैगाम दे रहे हैं। एक काफले वाले हैरान ने, यार पहले सलाम भी नहीं सी करदा, अज सलाम भी कर रहे हैं। पहले खाने नहीं सी खिलांदा, अज खाने खिला रहे हैं। ते अजीब अजीब ऐलान कर रहे हैं। एक काफले वाले पूछन लगे, तुहानू किवें इलम होया कि ये मासूम बाल रसूलां दा सरदार बन के आया? तुहानू किवें इलम होया ये मासूम बाल जदी 12 साल दी उम्र है ये सारी कायनात दा सरदार बन के आया? ये जवाब देन लगा राहिब, ओ काफले वाले ओ, मैं पहले कदी तुहाडा इस्तकबाल नहीं कीता, ओदी कोई वजह सी। अज इस्तकबाल कर रहे हैं ते खाने खिला रहे हैं, ओदी भी कोई वजह है। वो वजह मेरे कोल पुछो ते मैं तुहाडे तक वो वजह पहुँचाना चाहता वा। ये राहिब जवाब देन लगा, ओदी वजह ए वे, अज जदों तुसी आ रहे सो मैं अपने कमरे च बैठा होया सा, ये दरख्त झुक झुक के सलामा कर रहे सन, ये पत्थर झुक झुक के सलामा कर रहे सन, मैं अपनी किताबों के अंदर पढ़े है। ये दरख्त ते पत्थर किसे फर्दो बशर नू नबी तो इलावा रसूल तो इलावा किसे नू भी झुक के सलामा नहीं कर दे। उस वजह तो मैं जान गया हूँ, ये जिन्हू दरख्त झुक झुक के सलाम कर रहे ने, ये जिन्हू पत्थर झुक झुक के सलाम कर रहे ने, एक अल्लाह दा नबी आ रहे है, एक अल्लाह दा रसूल आ रहे है, एक अल्लाह दा पैगंबर आ रहे है। इसलिए मैं सारे दी कंड चेक कीती है, कमर चेक कीती है, किसे दी भी कमर ते मोहरे नबूवत नहीं। इस मासूम बाल दी कमर दे उते मोहरे नबूवत मौजूद है। हुण जरा मेरे वल तवज्जो करना, ए दरख्त जो झुक झुक के 12 साल दी उम्र दे अंदर, ए पत्थर झुक झुक के 12 साल दी उम्र नबी पाक दी, नबी पाक नू झुक झुक के सलाम कर रहे सन, आखिर क्यों कर रहे सन? ओदी वजह की सी झुक झुक के सलाम करन दी? मैनू पुछो ते मैं तुहानू नबी पाक ते नाज़िल होण वाला अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुनावां। अल्लाह फरमांदा है, वारा फाना लका ज़िक्रा ग, ऐ महबूब पैगंबर असां आप तुहाडा शान बुलंद फरमा दिता है। ओए आमीना दे लाल जियां कौन होवेगा, उस बेमिसाल जियां कौन होवेगा, आमीना दे लाल जियां कौन होवेगा, ओए आमीना दे लाल जियां कौन होवेगा, हजरो शजर जिनू देवन सलामियां, ओए नूरी जिस सोने दियां करण गुलामियां। हजर कहंदे ने पत्थरां नू और शजर कहंदे ने दरख्तां नू। दरख्त झुक झुक के सलामियां दे रहे ने और पत्थर झुक झुक के सलामियां दे रहे ने। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हजरो शजर जिनू देवन सलामियां, ओए नूरी जिस सोने दियां करण गुलामियां, ओए नूरी जिस सोने दियां, नूरी जिस सोने दियां करण गुलामियां, उस बेमिसाल जियां कौन होवेगा, आमीना दे लाल जियां कौन होवेगा, आमीना दे लाल जियां कौन होवेगा, उस साहेबे जमाल जिया कौन होवेगा, आमीना दे लाल जिया कौन होवेगा, आमीना दे लाल जिया कौन होवेगा। मैं बातां दो बयान कीतियां ने, पहली बात यह है अल्लाह पाक ने सारी कायनात दा नबी बना के भेजे है, पहली बात यह है अल्लाह पाक ने सारी इंसानियत दा नबी बना के भेजे है, पहली बात यह वे अल्लाह पाक ने जिथों तक अल्लाह दी खुदाई है उतों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई है। जेड़ी कायनात दे अंदर जेड़ी चिड़ी चीज अल्लाह दा रिजक खा रही है आलम दे अंदर मौजूद है, ओहो ओहो चीज मेरे मुस्तफा नू जान दी है, ओहो ही चीज मेरे मुस्तफा नू सुझान दी है, ओहो ही चीज मेरे पैगंबर नू पहचान दी है। पत्थर भी जानते ने, दरख्त भी जानते ने, जानवर भी जानते ने। तुसा सुनी नहीं नबी पाक दी हदीस पाक, अबू दाऊद
शरीफ दे अंदर मौजूद है। नबी पाक दा सहाबी है जिन्हों का नाम हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला है, जंगल दे अंदर फस गए ने, जंगल दे अंदर परेशान ने। हुण सामने जंगल का दरिंदा शेर आया हो जड़ा खान दे चक्कर च है। हजरत सफीना फरमाते ने मैं अपना तारुफ करवाया, ओ शेर तू मैनू नहीं जानदा, मैं अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा गुलाम हां। हजरत सफीना फरमाते ने इतनी को बात करन दी देर है, ओ शेर जड़ा मैनू खाना चाहता सी जदों मैं नबी पाक दा नाम लिया, जदों मैं आप दा तारुफ करवाया, जदों मैं नबी पाक दी उनू सुयान करवाई है, ये जंगल दा शेर ते दरिंदा सर झुका के मेरी हिफाजत करदे हो या जंगल पार करवा के आए है। ये क्यों जंगल पार करवा रहे है? इसे लई मैं अल्लाह दा कुरान सुनावांगा। अल्लाह फरमांदा है वारा फाना लाका जिक्रक, ऐ महबूब पैगंबर असा आप तुहाडा शान बुलंद फरमा दिता। नबी पाक दी अजमत, आप दी शान, आप दा मकाम बहुत बुलंद है। दो बातें मेरी गुफ्तगू दी हुई हैं। पहली बात, सारी कायनात दे नबी बन के है, सारी इंसानियत दे नबी बन के है, अल्लाह दा कुरान पेश किया है। दूसरी बात, जितों तक रब ताला दी अल्लाह ताला दी खुदाई है, उतों तक नबी पाक दी मुस्तफाई है। जिवें अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारी कायनात नू पालन वाला अल्लाह है, उवें नबी पाक वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन ने सारी कायनात दी हिदायत और रहनुमाई किस करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने। नबी पाक तो इलावा किसे कोल दीन दी रहनुमाई असी हासिल नहीं कर सकते। नबी पाक दी हदीस दे होंदे आ किसे दे भी पिछे नहीं चल सकते। नबी पाक दी हदीस दे होंदे आ किसे होर दी इताअत और फरमा बरदारी और इत्तेबा नहीं हो सकती, नबी पाक दी ही होएगी। क्यों? क्योंकि सारी कायनात दियां हर चीज़ां जिन्हां नूं अल्लाह रिज़्क खिला रहे है नबी पाक नूं जान दियां भी ने ते सुजान दियां भी ने। इहदे भी दलायल पेश कर चुका अल्लाह पाक ने कितना शान बुलंद किया है। हुण तीसरी बात, अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, नबी पाक दा बेटा है जेदा नाम इब्राहिम है। नबी पाक नू बड़ी मुहब्बत सी इब्राहिम दे नाल। पहले अल्लाह पाक ने जितने भी बेटे अता फरमाए ने, जितने भी बेटे अता फरमाए ने, सारे बेटे कोई चंद दिनों का फौत हो गया, कोई चंद हफ्तियां का फौत हो गया, लेकिन जेड़ा बेटा इब्राहिम सी ए चंद महीनिया का होके फौत होया। चंद महीनिया का नबी पाक दा बेटा है। नबी पाक नू मुहब्बत देंदे होंदे सन, आप दे नाल प्यार करदे होंदे सन। नबी पाक नू बड़ा प्यारा लगदा सी ए बेटा। मेरे वल तवज्जो करना, मैं जड़ी बात कर रहा वा, जिस बंदे दियां बेटियां ही बेटियां होण, पहले बेटे पैदा होए होण, फौत हो गए होण, फिर अल्लाह ने बेटा दिता होवे, चंद महीने वह बेटा अखां दे सामने खेड़दा होवे, चंद महीने वह बेटा अखां दे सामने लाड करदा होवे, औलाद नू वह बेटा बड़ा प्यारा लगदा है, औलाद नू वह बेटा बड़ी मुहब्बत वाला आंदा है, औलाद वालिदैन नू वह बेटा बड़ा प्यारा लगदा है, उस पूरी औलाद विचों बेटा सारियां तो ज़्यादा चंगा लगदा है। मेरे वल तवज्जो करना, नबी पाक नू यह बेटा बड़ा प्यारा लगदा सी, आप नू इस बेटे नाल बड़ी मुहब्बत सी। वक्त ऐसा आया नबी पाक दा ए बेटा नबी पाक दी झोली दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर दा ए लाल अल्लाह पाक नू प्यारा हो गया, एदे उते मौते पाक आ गई है, ए फौत हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अखां विचों आंसू वहा के गमगीन होए ने। नबी पाक नू बड़ी तकलीफ हुई है, आप बड़े परेशान होए ने। क्यों? क्योंकि औलाद दे वास्ते मां बाप नू रोना आ ही जांदा है। मैं ते अक्सर तौर ते आंदा रहना वा, लोगो वालिदैन
ते रोंदे औलाद वास्ते ने, वालिदैन ते परेशानी औलाद वास्ते होंदे ने, वालिदैन दे ते औलाद दी वजह तो दुख होंदे ने, वालिदैन नूं औलाद ना मिले ते तां वी रोंदे ने, मिल जाए कोई परेशानी आ जाए तां वी रोंदे ने, मिल जाए ना फरमान होवे तां वी रोंदे ने, मिल जाए औलाद फरमाबरदार होवे अगर कोई दुख आ जाए तां वी रोंदे ने, इमलामे शिकायतां आ जाण तां वी रोंदे ने। ओए मापे रोंदे नहीं औलादा ने रुआं दियां, मापे रोंदे नहीं औलादा ने रुआं दियां, दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां, मापे रोंदे नहीं औलादा ने रुआं दियां। मां प्यो अपनी औलाद दी खातर रोंदे ने, नौकरी ना लगे रोंदे ने, रिस्क रोजी दा मसला होवे रोंदे ने, औलाद बीमार हो जाए तो रोंदे ने, औलाद नूं दुख तकलीफ आ जाए तो रोंदे ने, या औलाद ताने मेणे देवे तो रोंदे ने, या औलाद ना फरमानी करे तो रोंदे ने, औलाद सख्त जुमले बोले तो रोंदे ने। मापे रोंदे नहीं औलादा ने रुआं दियां, दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां, दुख सारी दुनिया दे झोली विच पांदियां। ओए मापे रोंदे नहीं औलादा ने रुआं दियां, दुख सुख सह के किवें औलादा नूं सी पालिया, असी अज बुढ़े होए किसे ना संभालिया, ना आख्या कर अपने अब्बू अम्मा नूं तुसां मेरे वास्ते कीता की है, ना आख्या कर अपने अब्बू जी नूं तुसां अज तक मेरे वास्ते की कीता है। ओए अपनी जवानी कुर्बान कीती है बाबे ने तेरे वास्ते, इहदे सिर ते बुढ़ेपा ते इहदे वाल चिट्टे आए ने ते तेरी खातर, ए ईद वाले दिन भी मजदूरियां करदा रहा ते तेरी खातर, इहदे जिस्म तो इहदे चेहरे तो हुसन खत्म होया ते तेरी खातर, इहदी जवानी कुर्बान हुई है ते तेरे ते जवानी आई है, अज आना अब्बा जी ने मेरे वास्ते कीता की है, इहदी जवानी खत्म हुई है ते तेरे ते शबाब आया, अज आना अब्बा जी ने मेरे वास्ते कीता की है, इहदा हुसन खत्म होया ते तेरे उते हुसन आया, अज आना अब्बा जी ने मेरे वास्ते कीता की है। मेरे वल तवज्जो करना, दुख सुख सह के किवें औलादा नूं सी पा लिया, असी अज बुढ़े होए किसे ना संभालिया, ओए असी अज बुढ़े होए किसे ना संभालिया, रो रो के अखियां भी आपे सुक जांदियां, मापे रोंदे नहीं औलादा ने रुआं दियां, धी परदेस विच जदों दुखी होंदी है, धी परदेस विच जदों दुखी होंदी है, घर विच मां बह के कली कली रोंदी है, ओए घर विच मां बह के कली कली रोंदी है, दिलां दियां तारां लोगो, दिलां दियां तारां लोगो, किवें जुड़ जांदियां, मापे रोंदे नहीं औलादा ने रुआं दियां, ओए मापे रोंदे नहीं औलादा ने रुआं दियां। नबी पाक दियां अखां विचों आंसू ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम रो रहे ने, सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह तुसी क्यों रो रहे हो, नबी पाक ने फरमाया मैं आहो पुकार नहीं कर रहा, मैं अपना सीना चाक नहीं कर रहा, इस्लाम दे अंदर चीजा मना ने लेकिन अखां दे आंसू आपे आप आ जांदे ने, दिल गमगीन आपे आप हो जांदे। हुण मेरे वल तवज्जो करना, मैं जड़ी बात समझा रहा सा, नबी पाक दा ए बेटा फौत होया, आमना दे लाल दे बेटे दी वफात होई है, नबी पाक रो रहे ने, नबी पाक दी सक्की चाची है जिंदा नाम उम्मे जमील अरवाए, आमना दे लाल दे कोल आ गई है ते बाहर खलो के ताजियत करन दी बजाए, दुख सुख मनन दी बजाए, नबी पाक नूं तसल्ली देन दी बजाए, नबी पाक दे नाल हमदर्दी करन दी बजाए, कहन लगी उब शुरू या माशरल कुरैश, उब शुरू या माशरल कुरैश, इन्ना मुहम्मदन
बाद अब तारा। ओ कुरैशियो खुश हो जाओ, नऊज़ बिल्ला मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा इको एक बेटा सी अल्लाह नू प्यारा हो गया, लिहाजा एदा नाम लैण वाला कोई नहीं होएगा। हुण जरा मेरे वल तवज्जो करना, मैं जड़ी बात समझा रहा इतनी को बात की है। फिर अल्लाह पाक ने तसल्ली वास्ते आसमान तो कुरान नाजल फरमाया। अल्लाह फरमांदा इन्ना आतैना कल कौथर फसल्ली लिरब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। ऐ मेरे महबूब पैगंबर तुसी परेशान ना हो, असा तुहानू आबे कौसर दा साकी बना दिता है। मेरे पैगंबर तुसी नमाजा पढ़ते रहो, अल्लाह दे रास्ते दे अंदर कुर्बानियां देंदे रहो। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, मेरा पैगंबर तुहाडा दुश्मन बर्बाद हो जाएगा, तुहाडा दुश्मन जलील हो जाएगा, तुहाडा दुश्मन दुम कटाएगा, तुहाडे दुश्मन का नाम लैण वाला कोई नहीं होएगा, तुहाडे दुश्मन का सफे हस्ती तो जिक्र खत्म हो जाएगा, तुहाडे दुश्मन का सफे हस्ती तो नाम मिट जाएगा। हुण जरा मेरे वल तवज्जो करना, मैं तीसरी बात समझा रहा सा, नबी पाक का तारुफ करवा रहा सा। आमना दे लाल ओ ने जिन्हां नूं अल्लाह ने सारी कैनात वास्ते नबी बना के भेजे है। आमना दे लाल ओ ने जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने सारी कैनात नूं नबी पाक का तारुफ करवा के भेजे है। हुण तीसरी बात, नबी पाक ओ ने अल्लाह पाक ने नबी पाक का शान ते बुलंद फरमा दिता है, ते आप दे दुश्मनां नूं अल्लाह ने जलील कर दिता है, अल्लाह दे पैगंबर दे दुश्मनां नूं अल्लाह ने रुसवा कर दिता है, नबी पाक दे दुश्मनां नूं अल्लाह ने बर्बाद कर दिता है। किवें बर्बाद कीता है? मेरे वल तवज्जो करना, मैं हुण जिहड़ी दड़ी बात पेश करन लगा। नबी पाक दे दुश्मन अबू लहब दा नाम लैण वाला कोई नहीं, नबी पाक दे दुश्मन अबू जहल दा नाम लैण वाला कोई नहीं, लेकिन नबी पाक दा नाम ते जिक्र ते तज़किरा ते तारुफ अल्लाह पाक ने इतना बुलंद फरमाया, इतना बुलंद फरमाया। अल्लाह पाक ने हर नाम दे नाल नबी पाक दा नाम जोड़ दिता है। किसी का भी नाम होवे, या अगे मुहम्मद आएगा, या शुरू च मुहम्मद आएगा, या बाद च अहमद आएगा, ये नबी पाक दा नाम अल्लाह ने आप बुलंद किया है। वो कलमा कलमा नहीं, जेड़े कलमे च मेरे मुस्तफा दा जिक्र नहीं, वो लोगो दुआ दुआ नहीं, जड़ी दुआ च मेरे नबी दा जिक्र नहीं, वो नमाज नमाज नहीं, जड़ी नमाज च मेरे पैगंबर दा जिक्र नहीं, वो अजान अजान नहीं, वो जड़ी अजान च मेरे नबी दा जिक्र नहीं। बल्कि मैं ते जाखा अल्लाह दी पूरी जमीन ते कोई एक सैकंड भी ऐसा नहीं, कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं, जेड़े मिनट च मेरे पैगंबर दा जिक्र नहीं, जेड़े मिनट च मेरे पैगंबर दा नाम नहीं। और जहां जहां अल्लाह का नाम है वहीं मुस्तफा का नाम है, जिथे जिथे अल्लाह दा जिक्र मौजूद है उथे उथे नबी पाक दा जिक्र मौजूद है। अल्लाह पाक ने अपने जिक्र दे नाल नबी पाक दा जिक्र जोड़ दिता, अपने नाम दे नाल नबी पाक दा नाम जोड़ दिता। मेरे वल तवज्जो करना, हुण जिहड़ी मैं बात समझाण लगा, सब तो पहले फजर दी अजान इंडोनेशिया दे जजीरियां दे अंदर होंदी है। दुनिया दे अंदर सब तो पहले सुबह दी अजान इंडोनेशिया दे जजीरियां दे अंदर होंदी है। अल्लाह दा भी जिक्र बुलंद हो रहा है, नबी पाक दा जिक्र भी बुलंद हो रहा है। ये चलदी हुई अजान सुबह दी अजान, चलदियां चलदियां सुबह दी अजान होंदियां होंदियां इंडोनेशिया दे शहरां दे अंदर दाखिल होंदी है। अल्लाह दा भी जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह दे रसूल दा भी जिक्र बुलंद हो रहा है। अल्ले अजान हो रही होंदी है ढाका दे अंदर, सुबह दी अजान दा वक्त हो जांदा है, अल्लाह दा भी जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह दे रसूल दा भी जिक्र बुलंद हो रहा है। इन्हां दे इलाकियां दे अंदर सुबह दी अजान हो रही होंदी है, बंगलादेश दे अंदर सुबह दी अजान दा वक्त हो जांदा है, अल्लाह दा भी जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह दे रसूल दा भी जिक्र बुलंद हो रहा है। हले बंगलादेश दे इलाकियां च सुबह दी अजान हो रही होंदी है, कलकत्ता दे अंदर सुबह दी अजान दा वक्त शुरू हो जांदा है, अल्लाह
अल्लाह का भी जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के नबी का भी जिक्र बुलंद हो रहा है। कलकत्ता च सुबह की अजान हो रही होती है और श्रीनगर के इलाकों के अंदर, इंडिया के इलाकों के अंदर सुबह की अजान का वक्त हो जाता है। अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के नबी का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है, अल्लाह के नबी का नाम बुलंद हो रहा है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियालकोट का एक पिंड बड़ा भाई है जिस दे अंदर सुबह की अजान का वक्त आता है। सब तो पहले पाकिस्तान है सुबह की अजान उत्थे दी जाती है। अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। लाहौर सुबह की अजान हुई, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। साहिवाल के अंदर सुबह की अजान हुई, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। शोरकोट सुबह की अजान हुई, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। हले अजाना हो रही होंगे ने मुल्तान के इलाकों च, सुबह की अजान का वक्त हो जाता है। अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। राजनपुर के इलाकों के अंदर सुबह की अजान का वक्त हो जाता है। अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। इन्हों इलाकों चले अजान हो रही होंगी है, चलती चलती अजान ये हैदराबाद के अंदर दाखिल हुई, कराची के अंदर दाखिल हुई, सुबह की अजान हले चल रही है। अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के नबी का जिक्र बुलंद हो रहा है। नाल अफगानिस्तान सुबह का वक्त होया, अल्लाह के जिक्र, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। मस्कत कुवैत के अंदर सुबह की अजान का वक्त हो जाता है, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के नबी का जिक्र बुलंद हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर सुबह की अजान का वक्त हो जाता है, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। तुर्की और इस्तांबुल के अंदर सुबह की अजान का वक्त हो जाता है, अल्लाह का जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद हो रहा है। चलती हुई अजान अंग्रेज ममालिक दाखिल होती है, अमेरिका के इलाकों के अंदर सुबह की अजान हो रही होती है, अल्लाह का भी जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के नबी का भी जिक्र बुलंद हो रहा है। इधरों इंडोनेशिया के जजीरों के अंदर फिर जोहर की अजान का वक्त हो जाता है, अल्लाह का भी जिक्र बुलंद हो रहा है, अल्लाह के रसूल का भी जिक्र बुलंद हो रहा है। फिर मैनू कह दौ, मैनू रिक्वेस्ट गुजारिश कर दौ, मैनू दावा कर दौ, अल्लाह की जमीन दे उते एक मिनट भी ऐसा नहीं जेड़े मिनट च नबी पाक का जिक्र ना हो रहा हो, मेरे अल्लाह का जिक्र ना हो रहा हो। जिथे जिथे अल्लाह का जिक्र हो रहा है उथे उथे नबी पाक का जिक्र हो रहा है। ये क्यों जिक्र हो रहा है? अल्लाह का कुरान आप ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमा दे अलम नशरह लका सदरक ववजाना अनका विजरक अल्लज़ी अनकज़ा ज़हरक वरफाना लका जिक्रक। ए महबूब पैगंबर असा आप थोड़ा शान बुलंद फरमा दी। ए नबी पाक का तारुफ तीन हवाले नाल पेश कीते। हुण अल्लाह दे कुरान विचों नबी पाक का तारुफ करवाना है मुख्तसर जिहा और उस तो बाद बात खत्म कर देनी इंशाल्लाह। खतीब सारे उठ के चले गए ने इन जिद नाल मेरे को डेढ़ घंटा पूरा कराना, तो मैं जाके मगरब तो बाद मुल्तान तकरीर करनी। इन्होंने मैं तो लेट नहीं ना किया, मैं तो अलहमदुल्ला 12:30 का इतने आके बैठा हुआ। इन्हें आप देर नाल टाइम दिता है, हूँ डेढ़ घंटा जिद नाल पूरा कराना, तो इन्हों की मर्जी। तुम तवज्जो रखो इंशाल्लाह, ये आ जाएंगे बड़ी जल्दी आ, जो मैं स्पीकर छड़ देना आपे ही इन्हें नेड़े लगना ना। ये सारे उठ के तां गए ने, चलो अल्लाह पाक इन्हें सब दियाँ मुहब्बत कबूल फरमाए। जब तक नहीं आते तो इंशाल्लाह मैं थोड़े नाल नाल ही हाँ, तवज्जो है ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला दे कुरान कोलों पुछदे हाँ, अल्लाह दा कुरान तू ही जरा नबी पाक दा तारुफ ते सुना, नबी पाक दा जिक्र ते सुना, आमना दे लाल दी पहचान ते करवा, नबी पाक दी सुजान ते करवा। हुण तवज्जो करना मैं नबी पाक दा तारुफ अल्लाह दे कुरान विचों पेश करन लगा। ऐ अल्लाह दा कुरान, ऐ अल्लाह दा कुरान, जरा सोने नबी पाक दे चेहरे दा जिक्र ते सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया तद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाहा। ए अल्लाह दा कुरान सुने नबी पाक दी पिशानी मुबारक दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया वज़ुहा
ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दे जुल्फा मुबारक दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया वल्लैली इज़ा सजा, ऐ अल्लाह दा कुरान, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दे अल्लाह नाल यारी दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दी आखरत दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दी रजा दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया वला सौफा युती का रब्बू का फतरजा, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दे बचपन दा जिक्र सुना। अब सोने नबी पाक दी यतीमी दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया व वजद का ज़ाल्लन फहदा व वजद काइलन फाग़ना, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दे किरदार दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया अलम यजिद का यतीमन फआवा वजद का ज़ाल्लन फहदा व वजद काइलन फाग़ना, फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइला फला तन्हर व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ अल्लाह दा कुरान सुने नबी पाक दी चाल दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया ला उक्सिमु बिहादल बलद व तहिल्लुम बिहादल बलद, ऐ अल्लाह दा कुरान सुने नबी पाक दी रहमत दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ अल्लाह दा कुरान सुने नबी पाक दी नबुव्वत दी हद दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, ऐ अल्लाह दा कुरान सुने नबी पाक दी नबुव्वत नबुव्वत दियां सिफात दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया या अय्युहन नबीयो या अय्युहन नबीयो इन्ना अरसलनाका शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजं मुनीरा, ऐ अल्लाह दा कुरान सुने नबी पाक दे दिल मुबारक दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंतलहुम वलौ कुंत फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लंफज़्ज़ु मिन हौलिक, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दी कमली दा जिक्र सुना, आप दे कंबल दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ अल्लाह दा कुरान नबी पाक दी रात दी नमाज़ ते क़ियामुल लैल दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविल कुस मिनहु कलीला, ऐ अल्लाह दा कुरान सुने नबी पाक दी तिलावत दा जिक्र सुना। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, ऐ अल्लाह दा कुरान सुने नबी पाक दी चादर ते बिस्तर दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया या अय्युहल मुद्दसिर कुम फांदिर व रब्बक फकबिर, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दे लिबास दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया वसिया बक फतहिर, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दी अजवाज दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया या अय्युहन नबीयो कुल्ली अजवाजिका, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दियां धियां ते बेटियां दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया व बनातिका, ऐ अल्लाह दा कुरान सोने नबी पाक दे सहाबा दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुल मुत्तकून उलाइका हुमुस सादिकून उलाइका हुमुल मुमिनून उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुहतदून उलाइका हुमुल फाइजून, ऐ अल्लाह दा कुरान नबी पाक दी रिसालत दे आप दे यारां दियां सिफात दा जिक्र सुना। अल्लाह दा कुरान बोलिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
اللہ والذین معہو اشدہو علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل اے اللہ دا قرآن سن نبی پاک دی حدیث دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا ون نجمی ازا ہوا ما ظل صاحب کب وما غوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی سیرت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ اے اللہ دا قرآن سنے نبی پاک دے سینے دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا الم نشرح لک صدرک ووزانا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کوئی بھاویں ملا کوئی بھاویں پیرے کوئی بھاویں میری جماعت دا عقیدہ کوئی بھاویں ملا کوئی بھاویں پیرے کوئی بھاویں دشمن کوئی بھاویں ویرے کوئی بھاویں دشمن کوئی بھاویں ویرے جو سنے دی سنت تو ہٹ کے کھاوے جو سنے دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں